टीके लगाए गए। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 1041 पदों पर होगी भर्ती। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। और खुज्जी के पूर्व विधायक राजिंदर पाल सिंह भाटिया और चंद्रपुर के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 80 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 79 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 5 करोड़ 43 लाख से अधिक नए टीके उपलब्ध हैं। इस बीच देश में कल कोरोना संक्रमण के 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। अभी तक 3 करोड़ 26 लाख से अधिक रोगी कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रोग मुक्ति की दर अब 97.68% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1,66,22,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,24,80,000 से अधिक पहला टीका और 41,41,000 से अधिक दूसरा टीका शामिल है। कल प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.8% पहुंच गई है। प्रदेश में कल 20 जिलों में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों और शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ के 1041 पदों पर भर्ती के लिए राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में आयोजित अस्पताल और मेडिकल कॉलेज संचालक मंडल की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में श्री सिंहदेव ने अस्पताल और कॉलेज की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली और संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस बैठक में मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत 150 विद्यार्थियों की निरंतरता और सभी संचालित विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की सहमति प्रदान की गई है। साथ ही अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रारंभ करने के संबंध में विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शासन के अन्य मेडिकल कॉलेजेस के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का काम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद अन्य शासकीय अस्पतालों के अनुरूप निशुल्क सेवाएं भी यहां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा ही समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक देश को एकता का मंत्र लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इसी विचार के साथ हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भारत एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर यह देश आगे बढ़े, इसी विचार के साथ हमें निरंतर काम करते रहना है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले की
सभी ग्राम पंचायतों में भी इस मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। पहले चरण में 300 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया है। ये सामुदायिक शौचालय बस स्टैंड, हाट बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बनाए जा रहे हैं, ताकि गांव के साथ साथ दूर दराज से पहुंचे लोगों को भी सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा जिले के सभी ब्लॉक के राजमार्ग में भी एक एक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन द्वारा कार्य योजना तैयार कर काम शुरू कर दिया गया है। ग्राम परसाही नाला और अकलतरी के ग्रामीणों का कहना है कि गांव के सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए शौचालयों का उपयोग ग्रामीण करते हैं और इससे गांव में स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता भी आ रही है। और ये हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय बने हुए, इधर गांव वाला हम उपयोग कर रहे थे, पास में मेला परिसर में बने हुए, पास में मंदिर है, स्कूल है, जैसे सब जन उपयोग करे चालू कर रहे, और गांव वाला ओडीए भी घोषित कर चुके हैं। पहले ले ग्राम पंचायत अकलतरी में सामुदायिक शौचालय के जो निर्माण हुए बहुत ही बढ़िया काम हुई, जेकर द्वारा गाँव के स्वच्छता के विशेष ध्यान रखते हुए तालाब पार में ही बनवाए गए, ये बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हुई। से ये चीज़ पहली नहीं रही से, तब का होत रही से कि सड़क में तालाब के किनारे किनारे में जो गंदगी वो छा रहा था इसे, लेकिन ये जो शौचालय बन गए सामुदायिक, जेकर वजह से गांव के जनमानस मन एकर सदुपयोग करत है, गांव में स्वच्छता के जो लहर है ओला लेके आते है। जिला पंचायत जांजगीर चांपा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले में शौचालयों का निर्माण ही नहीं बल्कि उसके उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा जांजगीर जिला ओडीएफ है, अभी ओडीएफ है, इसके कारण से यहाँ पे जितनी भी शौचालय, चाहे वो व्यक्तिगत शौचालय हो, सामुदायिक शौचालय हो, चाहे नेशनल हाईवे के अंतर्गत शौचालय हो, उसका निर्माण हम लोगों ने करवाया है। करवाने के साथ साथ केवल निर्माण पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि उसके उपयोग पर भी ध्यान दिया, जिसके तहत हम लोगों ने अधिकांश जगहों पर कुल पानी की सुविधाओं के साथ साथ उसको ग्राम पंचायत को सौंपते हुए पूरे सज्जी के साथ वहाँ पर पूरे शौचालय का उपयोग हम करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी करवा रहे हैं इसके संबंध में। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 से की थी। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त करना था। इस अभियान के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में 2 लाख से अधिक शौचालय अब तक बनाए गए हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस चुनौती से लड़ने के लिए लोगों को पोषित आहार मुहैया कराने के लिए सरकार पोषण अभियान चला रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार गरीबों को फोर्टिफाइड राइस यानी कि पोषण युक्त चावल देने की तैयारी कर रही है। इस पोषण युक्त चावल से एनीमिया जैसी बीमारी के फैलाव पर रोक लगाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के तहत केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई यानी पोषण युक्त किया जाएगा। फोर्टिफाइड राइस में जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन और खनिज की मात्रा को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया जाता है। चावल के फोर्टिफिकेशन में चावल को पीस कर पाउडर तैयार कर इसमें पोषक तत्वों का मिश्रण किया जाता है। इस फोर्टिफाइड चावल के मिश्रण को फिर से चावल के आकार में बदला जा सकता है, जिसे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। इस फोर्टिफाइड राइस कर्नेल को सामान्य चावल के साथ 100 के मुकाबले 1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसके बाद इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए जारी किया जा सकता है। पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा की वजह से फोर्टिफाइड राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है। जो फोर्टिफाइड राइस बनाया जाता है, राइस कर्नेल बनाया जाता है, उसके अंदर आयरन भी मिलाया है, फॉलिक एसिड बनाया है, B12 बनाया है, मिलाया है, तो उससे क्या होता है कि जब भी व्यक्ति खाता है उसको ये सारे पदार्थ मिल जाते हैं। सरकार ने 2024 तक हर गरीब तक ऐसा ही चावल देने की घोषणा की है। उम्मीद है कि ये चावल कुपोषण के खिलाफ लड़ने में एक बड़ा हथियार साबित होगा।
और इस पोषण की बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपने राज्य की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन दिनों राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय कांकेर द्वारा कोंडागांव जिले के ग्राम खाले मुरवेंड में जन जागरूकता कार्यक्रम और मिनी आईकॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान पोषण आहार, व्यंजन, रंगोली, मेहंदी, प्रश्न मंच, स्वस्थ माता स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर के पंजीकृत गीत और नाटक दल ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पोषण संबंधी जानकारी उपस्थित लोगों को दी। इस मौके पर जिला पंचायत के अध्यक्ष देवचंद मातलाम, केशकाल जनपद पंचायत के अध्यक्ष महेंद्र नेताम, बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिलेश बघेल, पर्यवेक्षक ज्ञान मंडावी और यूनिसेफ के समन्वयक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र पाल सिंह भाटिया और चंद्रपुर के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन हो गया है। श्री भाटिया पूर्व मंत्री और श्री जुदेव पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं। युद्धवीर सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और सौदान सिंह ने श्री भाटिया और श्री जुदेव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोगेश्वरी फुकननी के बारे में। आज हम याद कर रहे हैं 1942 में आज ही के दिन मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली 60 वर्षीय असम की शहीद भोगेश्वरी फुकननी को। 1885 में असम के नौगांव जिले के बरहापुर में जन्मी भोगेश्वरी भले ही साधारण महिला थी, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। भोगेश्वरी ने अपने 6 बेटों और 2 बेटियों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बरहमपुर कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार के कब्जे के बाद क्रांतिकारियों ने हमला किया और सितंबर 1942 में वहां कब्जा कर लिया। हालांकि अधिकारियों ने बदला लेने और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कैप्टन फिनिश के नेतृत्व में सैन्य बल भेजे। भोगेश्वरी ने रतनमाला के साथ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कैप्टन फिनिश का सामना किया। जब कैप्टन ने रतनमाला के हाथ से झंडा छीन लिया तो भोगेश्वरी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से भड़क उठी। उन्होंने कैप्टन फिनिश के हाथ से झंडा छीन लिया और उनके सिर पर झंडे के डंडे से वार किया। भोगेश्वरी की इस हरकत से क्रोधित होकर कैप्टन फिनिश ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और भोगेश्वरी को गोली मार दी। वो घायल होकर जमीन पर गिर गईं और 20 सितंबर 1942 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भोगेश्वरी का बलिदान मातृभूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है। भोगेश्वरी का बलिदान इस बात का भी उदाहरण है कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की कोई उम्र नहीं होती। भोगेश्वरी फुकननी को हमारा नमन। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 80 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 1041 पदों पर होगी भर्ती। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। और
खुज्जी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाल सिंह भाटिया और चंद्रपुर के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।